हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ममास किचन में। तो चलिए आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी आलू। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये। बहुत ही कम खर्चे और बहुत ही कम समय में बनने वाला ये तंदूरी बेबी पोटैटो, जब भी घर में कोई मेहमान आए या पार्टीज हो, आप आसानी से बना सकते हो। एक ही रेसिपी से आज हम लोग दो रेसिपी बनाने वाले हैं, तो आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले और उसमें आधा कप फ्रेश दही ऐड करें। दही ताज़ा ले, खट्टा ना ले। उसमें एक टेबल स्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करें। एक टेबल स्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर दें। और ये है तंदूरी मसाला। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है आपको, वो एक टेबल स्पून जितना ऐड करें। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून हम लोग बेसन भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को भी ऐसे हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक और आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। हरा धनिया और फ्रेश पुदीना को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को दही के साथ बहुत ही अच्छी तरह फेंट के मिक्स करें, ताकि मसाले की खुशबू है वो बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए, सब मसाले अच्छी तरह कम्बाइंड हो जाए और बेसन की भी गुटलियाँ ना रहे। ऐसे स्मूथ पेस्ट आपको तैयार करनी है। अब उसमें 1 टीस्पून जितनी लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। ये फ्रेश लहसुन की पेस्ट मैंने ऐड की है। और 1 टीस्पून जितनी जिंजर और चिली की पेस्ट ऐड करेंगे। उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमारी मैरिनेट करने की ये पेस्ट जो है वो तैयार है। उसमें ऐड करेंगे 1/2 किलो बेबी पोटैटोस, उसको मैंने बॉईल करके छिलके निकाल लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बीच निकाल के इससे चौरस टुकड़ों में काटा है। 1 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम को भी मैंने अंदर के बीच निकाल के ऐसे चौकोन टुकड़ों में काटा है। और वैसे ही मैंने ऑनियन को भी काट लिया है। ये ऑनियन मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली है। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर दें। जो मैरिनेट करने का पेस्ट हमने बनाया है वो मसाला चारों ओर अच्छी तरह कोट हो जाए, ऐसे मिक्स करना है। अब आप देख सकते हो सारे मसाले अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं, तो उसको मैरिनेट करने के लिए 15 मिनट ऐसे ही ढक के रखेंगे। 15 मिनट के बाद सारे आलू और वेजिटेबल अच्छी तरह मैरिनेट हो चुके हैं। तो ये वुडन स्टिक ले, हम लोग एयर फ्रायर में ये तंदूरी बेबी पोटैटोज़ बनाने वाले हैं, तो एयर फ्रायर की केबिन के साइज़ का उसको काट ले। अब यही स्टिक में हम लोग टर्न बाय टर्न आलू, प्याज, टमाटर और कैप्सिकम ऐसे हम लोग टर्न बाय टर्न स्टिक बनाएंगे। अब इसी समय पे मैंने एयर फ्रायर को 200 डिग्री पर 10 मिनट तक प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। वो अच्छे से प्रीहीट हो जाएगा तो हमारे जो तंदूरी पोटैटोज है वो बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट होंगे। अब आप देख सकते हो एक स्टिक तैयार है, वैसे ही हमको सारी स्टिक तैयार कर लेनी है। अब सारी स्टिक तैयार है। यहाँ पर मैंने आलू यूज़ किए हैं, वैसे ही आप पनीर और गोभी के भी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब एयर फ्रायर मेरा प्रीहीट हो चुका है, तो उसके अंदर सबसे पहले बॉटम में हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल की एक शीट लगाएंगे, ताकि जो मसाले हैं वो ग्रिल में चिपके नहीं। एल्यूमिनियम फॉइल के अलावा आप बेकिंग शीट का भी यूज़ कर सकते हो। अब उसमें हम लोगों ने तैयार की हुई है जो पोटैटो की स्टिक वो ऐड करेंगे और उसको 200 डिग्री पे ही कम से कम 15 मिनट तक उसको रोस्ट करेंगे।
अब 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारी पोटैटो स्टिक एकदम से तैयार है। चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, जैसे ही तंदूर में बनते हैं वैसे ही एयर फ्रायर में बहुत ही अच्छी तरह रोस्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप ऐसे तवे पर भी कर सकते हो, ओवन है तो ओवन में भी आप कर सकते हो, या ग्रिल पैन है तो ग्रिल पैन में भी आप कर सकते हो। तो है ना बहुत ही इजी वाली ये तंदूरी बेबी पोटैटो स्टिक। अब रेस्टोरेंट में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब ऐसा बढ़िया खाना आप घर पे बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम समय में बना सकते हो। अब वही तंदूरी बेबी स्टिक का हम लोग तंदूरी बेबी पोटैटो का रेप बनाएंगे। एक बड़ी रोटी बना लें और उसमें हरी चटनी ऐड करें और तैयार की हुई बेबी पोटैटो की स्टिक उसके ऊपर रखें और उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और थोड़ा सा पनीर हम लोग ऐड करेंगे। बच्चे को पनीर और चीज़ का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। ये घर का ही बना हुआ पनीर है और घर में कैसे मलाई पनीर बनाया जाता है उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी। अब थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके रोल को तैयार करें, वैसे ही सारे रोल बना लें और उसको तवे पर हम लोग रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा बटर या घी लगाकर सारी जो फ्रेंकी हम लोगों ने तैयार की है वो सेट करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें, फास्ट नहीं रखें। अब थोड़ा सा बटर या घी रोटी के ऊपर भी लगा लें। अब दोनों साइड से रोटी को अच्छे से टर्न करके रोस्ट कर लें। तो है ना आसान, एक ही रेसिपी से हम लोगों ने स्टार्टर और मेन कोर्स दोनों बना लिए। ये रेप आप बच्चों के टिफ़िन में, लंच के लिए या डिनर में आप बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो तैयार है तंदूरी बेबी पोटैटो रैप। एक ही रेसिपी से दो रेसिपी बनाना आप आज सीख गए। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और भी ऐसी नई नई रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक हैप्पी कुकिंग फ्रॉम ममास किचन।